काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोई। तो परमात्मा जी देखो जी, इस ज्ञान को आ गया, उसमें हिंदुओं के लिए वो जगह मंदिर बनाया गया और उन्होंने भी अलग मंदिर बनाया। वीडियो आप दिखा रहे हो, हाँ, ये मतलब के समाज के लिए, ये समाज के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालय पुत्र मोहित ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र सतलोक आश्रम परिवार में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ का दिखाऊँगा आश्रम में कैसी व्यवस्था है और कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आपको भक्तों के द्वारा उनके इंटरव्यू सुनाने का पूरा कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। चलो मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे क्षेत्र जिला है पिपली में, ठीक है। और यहाँ बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी का यहाँ सत्संग चल रहा है और ये बगल में देखो है भंडारा, बहुत बढ़िया रहता है यहाँ, ठीक है जी। अब अगर नाम कोई लेना चाहे तो यहाँ ले सकते हैं, ले सकता हूँ। व्यवस्था के बारे में बताओ, कैसी व्यवस्था? बहुत बढ़िया, आप देखो कैसे भगत आज़ाद घूम रहे, कोई परवाह नहीं है, सेवा भी कर रहे हैं अच्छी। आप कहाँ से आए? मैं शाहबाद से जी। आप किस मकाम के संत रामपाल जी? मुझे 2011 में। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब, मेरी विनती सुनियो अर्ज आवा, मदर पिदर करीम तू हो पुत्र पिता को। पूरा लाभ भी हो रहा है संसार को, जगत को, जो भी आ रहे हैं परमात्मा के शरण में, जो ज्ञान समझ के आ रहे हैं परमात्मा को, वो परमात्मा जी उनका उनको सब लाभ भी दे रहे हैं। और जो देवी देवताओं के पूजने वाले जो इस टाइम जो हैं, वो ये अपने आप को बहुत कुछ समझ बहुत कुछ माने बैठे हैं। ये कहते हैं कि भाई देवी देवता ही सब कुछ है जी, देवी देवता ये जो शंकर भगवान की है, ब्रह्मा विष्णु की है, ये सब कुछ है और कुछ नहीं है ऐसे बढ़ करके। तो उनको ये उनकी भूल है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी उनके अंदर पता लगता है उससे क्या है। जब उनको पता लग जाएगा ना कि इनकी हिस्ट्री जो है ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जो हिस्ट्री है, ये इनके अंदर क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, कि भाई ये कितने भगवान है, कितनी शक्ति रखते हैं, कितनी पावर है इनके अंदर, क्या कर सकते हैं और इनकी अथॉरिटी कितनी है, इनको कितनी अथॉरिटी दी हुई है कि भाई इससे ज़्यादा ये कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते ये काम जी इनके अंदर। ये इतने जैसे एक मंत्री होते हैं, जैसे मंत्री होता है, मंत्री को एक अथॉरिटी होती है, तो वो उससे बढ़कर वो कार्य नहीं कर सकता। 2017। नाम क्या आपका? नंद किशोरदास। क्या करते हो? काम तो सुत्सा है, मैं मार्बल का काम करता हूँ, रगड़ाई का काम करता हूँ। एक पर्स प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आने का कारण क्या था? यहाँ पर आने का कारण ये है, परमात्मा के सोहन सिंह गुरु जी ने नाम दीक्षा ली है, वो दिवस मनाया जा रहा है गुरु जी का, ये प्रकाश तीन दिन का समागम है और परमात्मा ने ये दिया है, नाम है सोना देवी, सदभक्ति दी है, सारे संसार को तारे हैं, प्राप्त हुआ है जिसमें गुरु जी ने नाम दीक्षा करके पास आकर ले जाए, सारे में परमात्मा का उजागर हो रहा है, वो दिवस मनाया जा रहा है गुरु जी का जी।